हाय फ्रेंड्स, मैं साधना तिवारी एक बार फिर से वेलकम करती हूं आपका अपनी चटपटी रसोई में। आज मैं मक्के के आटे की कचौड़ी बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है और एज ए स्नैक्स ये बहुत ही टेस्टी होती है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मक्के के आटे की कचौड़ी बनाने के लिए ये मैंने करीब 200 ग्राम मक्के का आटा लिया है और दो उबली आलू, एक प्याज कटी हुई बारीक, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, एक हरी मिर्च करीब चौथाई चम्मच हींग, थोड़ी सी हरी धनिया और तीन चार कटे हुए लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। ये मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको पानी की सहायता से छोटी छोटी कचौड़ियाँ बना लेंगे। हाथ में पानी लगा के थोड़ा इतना बड़ा बड़ा आटा लेके बॉल बना के हाथ से दबाते हुए अपने मनपसंद आकार में छोटी या बड़ी जैसी भी इच्छा हो कचौड़ी बना लेंगे। अब हम इनको तलेंगे। अभी मेरा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक कचौड़ी को बहुत धीरे धीरे डाल देंगे। एक तरफ से पक गई है, अब हम इसको धीरे से पलट लेंगे। ये मेरी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये अब मक्के की कचौड़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है खाने के लिए।